नमस्कार बच्चों, जय श्री शाम। आप सब बहुत अच्छे होंगे मुझे पता है। चलिए बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर, लास्ट वीडियो हमने रिकॉर्ड किया था, हमने आपके सामने प्रेजेंट किया था, उसके अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कशन किया था। हमने चैप्टर नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन दिया था कि इस चैप्टर के अंदर मिलेगा क्या हमारे को, उसके नाम क्यों हमने एलैबोरेट किया था, रिकॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के मतलब हमने आपको बताए थे। अब और हमने बात की थी उसकी फर्स्ट टॉपिक की, जिस टॉपिक का नाम है रेशियोज। आज इस क्लास के अंदर मालिक हम लोग बात करेंगे उस चैप्टर के सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको कि हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, गुडविल। जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, गुडविल। अभी गुडविल जो शब्द है, इस शब्द से कॉमर्स के सभी बच्चों का कभी ना कभी कोई ना कोई टकराव या सारोकार हुआ ही हुआ है 101%। अगर आप 11th क्लास कॉमर्स से बिलोंग करते हैं ऑब्वियसली, तो आपको 100% इस वर्ड से कभी ना कभी कहीं ना कहीं मुलाकात हुई ही होगी। आज ये इस क्लास के अंदर, ये पूरी क्लास, आज का पूरा सेशन हमारा जो है वो पूरी तरीके से केंद्रित है किसके ऊपर, गुडविल की। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप बताएं मुझे, व्हाट इज गुडविल? गुडविल क्या होती है बताएं। कुछ के मन में जवाब आ रहा होगा, सर गुडविल का मतलब होता है रेप्यूटेशन ऑफ दिस। गुडविल का मतलब क्या होता है? रेप्यूटेशन। कुछ कहेंगे गुडविल का मतलब होता है सर गुड नेम। गुड नेम है ना, कुछ कहेंगे रेप्यूटेशन, कुछ कहेंगे गुड नेम। आई बिलीव मैक्सिमम लोगों के मन में यही फीलिंग आई होगी, यही दो शब्द हमारे सामने आए होंगे। आइए कुछ रिनाउंड ऑथर्स के से भी सुन लेते, जान लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं गुडविल क्या होती है। हम ये वर्कशीट नंबर 7 में से मैं पढ़ रहा हूं, जो वर्कशीट नंबर 7 फुल्ली थ्योरेटिकल वर्कशीट है, और ये वर्कशीट आपको अवेलेबल हो जाएगी पता है कहां पे, गूगल ड्राइव पे। इसका लिंक कहां मिलेगा आपको, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक जरूर फॉलो करते हैं, वहां से आप वर्कशीट जरूर डाउनलोड करते हैं, लेकिन उसी लिंक में एक बात और लिखी हुई होती है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ही, कि डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। आप ये नहीं करते हैं, ये चीटिंग है बच्चों, और ऐसी हरकत करने वाले को भगवान देख रहा है। ऐसे पापियों को सजा देने के लिए भगवान आता है धरती पे, आया था, अभी टीवी पे भी आ रहे हैं रामायण देखो आप, भगवान आए थे पापियों को सजा, रावण को सजा देने। आप भी वही कर रहे हो, पाप कर रहे हो, हम मेहनत कर रहे हैं, आप रिजल्ट नहीं दे रहे हो, दीजिए मजाक कर, रिजल्ट दीजिए, भगवान आएंगे ना, भगवान आएंगे। चलिए कमिंग बैक टू द टॉपिक वंस अगेन, लॉर्ड एल्डन ने कहा है, गुडविल इज नथिंग मोर देन प्रॉफिटेबिलिटी दैट अ ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। गुडविल कुछ भी नहीं है, गुडविल सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी है, फायदा कमाने का वो तरीका है, वो प्रॉफिटेबिलिटी है जो कि पुराने कस्टमर देते हैं अपनी पक्की दुकान को, वो गुडविल है। ठीक है, मतलब आप किसी दुकान से सेटिस्फाइड हो, आप उसी दुकान पे बार बार जाते हो और सामान से सामान खरीदते हो, और उसकी वजह से दुकानदार को फायदा होता है, तो लॉर्ड एल्डन की शब्दों में यही क्या है, उस दुकान की गुडविल है। हम भी यही मानते हैं। गुडविल इज अ थिंग वेरी इजीली टू डिस्क्राइब एंड वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। वाह क्या बात है, भंग भी गए थे। गुडविल इज अ थिंग विच इज वेरी इजीली टू डिस्क्राइब, पढ़ना चाहे तो बड़ा आसान है रेपुटेशन, बट अगर इसके मतलब समझने चले तो इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट। आई एग्री विद द लॉर्ड मैकहेंटन, इट इज अ बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ द गुड नेम, रेपुटेशन एंड कनेक्शन ऑफ द बिजनेस, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर्स। It is one thing which distinguishes in the old established business from the new business at the first start. ये कहा है लॉर्ड मैग्नेटन ने, इनकी बात को मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना। गुडविल इज अ थिंग विच इज वेरी इजी टू डिस्क्राइब एंड वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। जिसको वैसे अगर अपन एक्सप्लेन करना चले तो बड़ी आसानी से आपने बोल दिया रेपुटेशन है, गुडविल गुड नेम है सर, वेरी इजी, राइट अ डेफिनेशन। Practically, to write a sensible definition of goodwill, it is quite difficult to write that definition. It is a benefit or advantage of the good name, reputation and connection. आपका word cover कर लिया दोनों। Good name, reputation and connection of the business.
इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन द कस्टमर. ये वो ताकत है जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके बिजनेस के पास लेकर के आता है. इट इज अ वन थिंग विच डिस्टिंग्विशेस द ओल्ड बिजनेस फ्रॉम द न्यू बिजनेस इन द फर्स्ट स्टार्ट. जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसमें और नए में और पुराने में डिफ्रेंशिएट करने का बेस ही कौन बनाती है? गुडविल बनाती है. ये कार्ड लॉर्ड मैग्नेटन ने. अगर मैं दोनों ही डेफिनेशन को समझने की कोशिश करूं तो दोनों ही डेफिनेशन ये बात कहती हैं कि गुडविल जो है कस्टमर्स को खींच करके लेकर के आती है. गुडविल जो है प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करती है. वो चीज क्या होती है? गुडविल होती है. वो कुछ भी हो सकता है, वो क्या होती है? गुडविल होती है. अब मेरी तरफ से एक डेफिनेशन है जो मैं प्रेफर करता हूँ हमें लिखना चाहिए, वो मैं यहाँ बोर्ड में लिख रहा हूँ, आप भी लिखें, फिर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं. द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू अर्न समथिंग एक्स्ट्रा ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स व्हेन रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन सेम. ये डेफिनेशन बड़ी ही टेक्निकल है, ये बहुत तरीके की बात करती है. ध्यान से समझे आप. द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू अर्न समथिंग एक्स्ट्रा ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स. देखिए सबसे पहली बात है कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू अर्न समथिंग एक्स्ट्रा ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स व्हेन रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन सेम. इसका मायने क्या हुआ? बाजार में बिजनेस की वो कैपेसिटी जो उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा के देती है अपने कॉम्पिटिटर्स से, जबकि बाजार में बाकी सारी चीजें एक बराबर रहती हैं, तो भी प्रॉफिट खाली प्रॉफिट ही डिफरेंशिएट है और हमारा प्रॉफिट ज्यादा है, सामने वाले कम है. तो जिस कारण से हम ये ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं ये गुडविल है. इसका कोई एग्जांपल देना पड़ेगा. जियो का रिचार्ज आता है 555 का, एयरटेल का रिचार्ज भी नियरली इसी रेंज में, शायद ये 549 का है, वोडाफोन का भी यही है. अब बताइए कौन सा कंपनी का नेटवर्क सबसे ज्यादा चलता है? जबकि मार्केट में आप देखो तो सबके अंदर मिलने वाले बेनिफिट यानी कि तकरीबन 2 GB पर डे 84 days तक का, ये तीनों में कॉमन है. उल्टा जियो में तो मिनट्स भी लिमिटेड है जियो टू अदर्स के, जबकि एयरटेल और वोडाफोन में वो भी अनलिमिटेड है, ये प्लान है. फिर आप मुझे बताइए कि कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा चलती है? ऑब्वियसली राइट नाउ जियो इज वर्किंग रियली वेरी वेल. दिस इज द गुडविल ऑफ द जियो कि बाजार में अपने कॉम्पिटिटर से तकरीबन सभी चीजें एक बराबर है, उसके बावजूद जियो क्या कर रही है? ज्यादा कमा रही है. यही तो क्या है? गुडविल है. यही तो गुडविल काम करती है. चलो और तो मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल और बताता हूं. इधर देखिए आप समझिए. एप्पल लेकर के आया आईफोन, सैमसंग लेके आया कोई गैलेक्सी का वर्जन, और रियलमी लेकर के आया अपना 6 Pro. ये तीनों सिर्फ मैं एक एग्जांपल को कवर अप करने के लिए लेता हूं. आईफोन के अंदर होगा 8 GB रैम, 8 GB भी नहीं होगी, कहां होती 8 GB, 6 GB रैम, 64 GB हार्ड डिस्क, 12 MP कैमरा और A13 का बायोटेक्निक बायोनेट पिन जो भी होता है बायोनिक पिन. सैमसंग आपको दे देगा इतने में तो 8 GB रैम,
128 GB हार्ड डिस्क, 48 MP कैमरा और स्नैपड्रैगन कोई 730 के आसपास। रियलमी 6 के अंदर आपको मिलेगी 6 GB रैम, 128 GB हार्ड डिस्क, 64 MP कैमरा और स्नैपड्रैगन का वही 700 के आसपास का लेटेस्ट एक वर्जन। अगर आप देखोगे इसकी बाजार के अंदर प्राइस होती है 70,000 रुपए, इसकी बाजार के अंदर प्राइस होती है 60,000 रुपए और इसकी बाजार के अंदर प्राइस होती है 15,000 रुपए। सबसे आउटडेटेड जो है, अगर हम कंपेयर करें, एप्पल है तो भी सबसे महंगा है, तो भी सबसे महंगा है। ये वीडियो भी जिससे शूट हो रहा है उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी यही है, वो भी एप्पल ही है। उसके बावजूद भी आप मुझे कहोगे कि सर आप तो प्रूडेंट हो, आपने क्यों इतना डिफरेंस के बाद ये खरीदा, आपको तो ये खरीदना चाहिए था, पैसे भी कम लगते, ऐसे तो 3-4 आ जाते। और देखो सर क्वालिटी भी ज्यादा है, शुरुआती 2 वीडियो 3 और 4 इसी से शूट किए थे, क्वालिटी देखना, और लास्ट के 4 वीडियो इसी से शूट किए, क्वालिटी देखना, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि क्यों दुनिया ये लेती। मतलब बाजार में YouTube पे डालोगे, आप Google पे डालोगे कि Android बेटर है या iOS बेटर है, Samsung का लेटेस्ट मोबाइल बेटर है या Apple का लेटेस्ट मोबाइल बेटर है, आपको रेटिंग्स में Samsung ही बेटर मिलेगा। उसके बावजूद भी Apple रिकॉर्ड तोड़ सेल करता है, चाहे आप Apple का 3 देख लो, चाहे Apple 4 देख लो, चाहे 5 देख लो, चाहे 6 देख लो, चाहे 7 देख लो। 8 पिटा था, 10 ने वापस रिकवरी करी, 11 ने फिर रिकॉर्ड तोड़े। ऐसा क्यों? गुडविल, द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू अर्न समथिंग एक्स्ट्रा ओवर इट्स कॉम्पिटिटिव एंड ऑल द थिंग्स रिमेन सेम। यहां तो ऑल द थिंग्स सेम भी नहीं है, यहां तो ऑल द थिंग्स से कंपेयर करूं तो भी फर्स्ट वाला सबसे कम अपने अंदर फीचर्स रखता है, तो भी सबसे ज्यादा सेल करता है, तो भी अपने नाम से चलता है। यह है गुडविल। चलो एक और एग्जांपल लेकर के समझने की इसको कोशिश करते हैं। आपने नाम सुना होगा डव, लक्स। कितने लोग घर में डव का इस्तेमाल करते हैं या कितने लोग घर में लक्स का इस्तेमाल करते हैं? लक्स को इंडोर्स किया है शाहरुख खान ने, ऐश्वर्या राय बच्चन ने, कटरीना कैफ ने। डब के अंदर कौन कौन सी सेलिब्रिटी को देखा है बताइए, आज तक बताइए मुझे, डब के अंदर कौन सी सेलिब्रिटी को देखा आपने? नहीं देखा तो भी बाजार के अंदर डब की डिमांड जाता है। ये गुडविल है। The capacity of the business to earn something extra from its competitors, that is called as goodwill. ये है goodwill बेटा। तो practically goodwill, good name के अलावा आपके कुछ और ऐसे features भी हो गए जो feature आपको कुछ extra कमा करके देते हैं। अगर आप देखो तो ये 12 MP का कैमरा उस 64 MP के कैमरे को क्लैरिटी में क्या दे रहा है, बीट कर रहा है। ये 12 MP का कैमरा 4K वीडियो शूट कर रहा है। ये है 70,000 रुपए की वैल्यू का वर्थ, समझ गया? इसलिए एप्पल बाजार के अंदर सेल किया जाता है, इसलिए बाजार के अंदर एप्पल बिकता है, समझ गया? ये है हमारी गुडविल का बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए आ जाइए, अब गुडविल को और आगे समझते हैं, डिटेल के अंदर आगे बात करते हैं गुडविल के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करते हैं, तो गुडविल के अंदर हमारे पास अगला पॉइंट आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। बताइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
गुडविल। गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो सबसे पहली बात, गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट, नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। तो सबसे पहली बात जो मैं करना चाहता हूँ गुडविल के बारे में, वो ये करना चाहता हूँ कि गुडविल क्या है, एन इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट क्या होती है? इनटेंजिबल एसेट वो एसेट होती है जिस एसेट को छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसकी उसकी प्रेजेंस को बाजार के अंदर क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। वो एसेट कौन सी एसेट होती है? गुडविल होती है, इंटेंजिबल एसेट होती है, जैसे कि गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब कवर होगा। नेक्स्ट, गुडविल हैव नो एग्जिस्टेंस, कैन नॉट, इट कैन नॉट हैव एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट एंटरप्राइज। इसकी यानी कि शॉर्ट के अंदर लिखूं, इनसेपरेबल फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस से इनसेपरेबल है, बिजनेस से कभी भी सेपरेट नहीं होगी साहब, ये हमेशा जो है बिजनेस के साथ साथ ही रहेगी। मान के इसका मतलब कैसा है, इसके मायने क्या है, वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बच्चा, मान लीजिए आपके पास कोई मशीनरी है, आपके पास कोई मशीनरी है, वो मशीन को तो आप क्या कर सकते हो साहब, मशीन को काम नहीं आ रही तो बेच भी सकते हो, पैसे निकालने के लिए बेच भी सकते हो। आपसे दूर हो गई तो भी वो मशीन तो चलेगी, आपसे दूर हो गई तो भी वो मशीन तो चलेगी ही चलेगी, उसको चलना ही पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे गुडविल की वैल्यू तभी तक है जब तक कि वो आपके साथ है। अगर गुडविल आपके साथ नहीं है, यानी कि अगर गुडविल बिजनेस में नहीं है, तो उस गुडविल की कोई भी वैल्यू बाजार के अंदर नहीं होती, यानी कि गुडविल को बिजनेस के साथ ही बेचा जा सकता है। जब तक बिजनेस है जब तक गुडविल रहेगी, अगर बिजनेस नहीं है तो गुडविल की वैल्यू भी, गुडविल की इंपॉर्टेंस भी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स। ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमाने में मदद देती है साहब, ये मदद देती है कि हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमाएं, ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स कस्टमर टू द ओल्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। ये पुराने कस्टमर को लेकर के आती है, इट ब्रिंग्स ओल्ड कस्टमर्स बैक। पुराने कस्टमर, आप होता है जैसे मैं पहले ना यहाँ से पहले बजाज नगर में रहा करता था, वहां पे पानी पूरी बड़ी टेस्टी मिलती थी। आज भी जब भी मेरा कभी बजाज नगर की साइड जाना कहीं होता है, तो इतने बरसों बाद, आज से 20 साल पहले हम वहाँ खाया करते थे, मैं वहाँ जरूर रुकता हूँ और उस जगह से पानी पूरी जरूर खाता हूँ। तो ये गुडविल है जो कि आज इतने बरसों के बाद भी एक कस्टमर को वहाँ पे लेकर के जाती है। तभी मैं हरिद्वार गया था तो वहाँ पे चोटी वालास करके रेस्टोरेंट होता है, वो रेस्टोरेंट का खाना बड़ा ही फेमस है। तो मैं बरसों बाद कभी हरिद्वार गया था, 2013 के बाद 2020 में गया था, चोटी वालास के अंदर खाना जरूर खाया। हम गोवा गए थे, वहाँ पे श्री साई फूड पे कलंगुट बीच के ऊपर बहुत ही सुंदर खाना मिलता है, बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है, वेज खाना। मैं परसों पहले वहाँ पे गया था, लास्ट टाइम जब गया मैं सेकेंड या थर्ड टाइम गोवा, तब भी मैंने वहाँ पे खाना जरूर से खाया। ये होती है गुडविल, जो भी पुराने कस्टमर को भी बिजनेस से दूर नहीं करती है। चलिए अगला टॉपिक जो डिस्कशन का है, इसको कॉपी करें। हाँ जी बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल का नेचर क्या है? तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज एन इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट मतलब ये ऐसी एसेट है जिसको छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसकी प्रेजेंस को महसूस किया जा सकता है। ये बिजनेस को प्रॉफिट कमा के देती है, ये फिक्स्ड एसेट है। ऑब्वियसली फिक्स्ड एसेट के पार्ट होते हैं इनटेंजिबल इनटेंजिबल, तो ये फिक्स्ड एसेट है। थर्ड, ये इनसेपरेबल है बिजनेस में फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से बिल्कुल इनसेपरेबल है, अलग नहीं हो सकती है। और लास्ट डी, इनसेपरेबल के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट,
इसकी वैल्यू फ्लक्चुएटिंग है, यानी कि जिस पर्पस के लिए बिजनेस की गुडविल की वैल्यू करना चाहते हो उस पर्पस के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से गुडविल की वैल्यू बाजार में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये चार है नेचर ऑफ गुडविल। ये इंटेंजिबल एसेट है, ये फिक्स्ड एसेट का एक पार्ट है, ये बिजनेस से इनसेपरेबल है और ये फ्लक्चुएटिंग है नेचर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल? किन किन चीजों के कारण गुडविल की वैल्यू पे इफेक्ट आता है? सबसे पहला पॉइंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट। जितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट होगा उतनी ही अच्छी गुडविल की वैल्यू होगी, बाजार में उतनी ही अच्छी गुडविल होगी। आपकी दुकान पे कोई कस्टमर आता है, आप उस कस्टमर को नमस्कार करके बात करते हो, पूरा आदर देते हो, पूरी इज्जत देते हो, वो कस्टमर आपकी दुकान से आपके व्यवहार के साथ साथ आपके सामान के साथ साथ आपके व्यवहार से भी खुश होकर के जाएगा, तो वह है आपकी दुकान पे वापस आएगा जस्ट बिकॉज ऑफ योर रिलेशन। आपके साथ भी होता होगा, आप बहुत सारी दुकानों पे रिपीटेशन में इसीलिए जाते हो क्योंकि वहां का दुकानदार बहुत अच्छा है, वहां के स्टाफ का नेचर बहुत अच्छा है, आप किसी रेस्टोरेंट में बार बार इसलिए विजिट करते हो क्योंकि वहां की सर्विस बहुत अच्छी है, इफिशियंट मैनेजमेंट। लोकेशन, बिजनेस की लोकेशन सबसे पहला फैक्टर होता है जो कि बिजनेस की गुडविल को डिसाइड करता है। जैसे कि अगर आपका बिजनेस जयपुर में गौरव टावर्स में है, जो कि सबसे पॉपुलेटेड और सबसे बढ़िया एरिया है मालवीय नगर का, जयपुर का, ठीक है, तो वहां पे बिजनेस के चलने की, रन करने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। उसकी बजाय यदि आपका बिजनेस किसी गांव कुचड़े के अंदर दूर ऐसी जगह है जहां पे आपका टारगेटेड कस्टमर ही नहीं है, तो फिर वहां पे आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। वहां पे लोकेशन फैक्टर आपके लिए काम करता है। फेवरेबल यू कैन से एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स वगैरह हो गया। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट यू आर डिलीवरिंग, आप जिस क्वालिटी का सामान देते हो उस पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका सामान जिसके अंदर आप डील कर रहे हो, जिस तरीके का सामान आप डील कर रहे हो, जिस क्वालिटी का सामान आप डील कर रहे हो, उसका वो अच्छा है, कस्टमर सेटिस्फाइड है, तो कस्टमर वापस से रिपीट होगा, वो भी आपकी गुडविल को इफेक्ट करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ बिजनेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, कितने लोगों के मम्मी पापा ऐसे कहते होंगे, बेटा घर जा, घर से बाहर जाना, थोड़ा पैसे लेकर के दाल चावल चीनी डिपार्टमेंटल स्टोर का सामान लेकर के आ जाना, या कपड़े लाने के लिए भी कह देते होंगे। किसी के पेरेंट कहते हैं, जा बेटा वाइन शॉप से वाइन लेकर के आना, नहीं, क्योंकि वो भी तो एक बिजनेस है, वाइन भी तो एक कमोडिटी है। फिर हमारे पेरेंट्स क्यों नहीं कहते हमको, कभी बाजार जा, बाजार से जा बेटा हमारे लिए वाइन लेकर के आ जा। ये घर में मम्मी कहेगी गैस सारे रसना ले आ, बट कभी ये नहीं कहेगी गैस सारे जाके बेटा दो बियर की बोतल लेकर के आना, कभी नहीं। क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर अल्कोहल को, लिकर को, वाइन को एक गंदी चीज माना जाता है, और हमारी सोसाइटी के अंदर उसकी शॉप्स अनएक्सेप्टेबल है। आप गली कूचड़े के अंदर कपड़े की दुकान खोल सकते हो, आप गली के अंदर डिपार्टमेंटल स्टोर खोल सकते हो, आप डेयरी लगा सकते हो, आप छोटी मोटी कोल्ड ड्रिंक के बेकरी लगा सकते हो, कन्फेक्शनरी खोल सकते हो, बट आप हर कहीं पे बैठ करके वाइन शॉप नहीं खोल सकते, बिकॉज हमारी सोसाइटी के अंदर वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप इसकी जगह यूएसए में जाएं तो वहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर ही वाइन का अलग से सेक्शन बना होता है, जैसे हमारे यहाँ पे इजी वे में सब्जियों का, बट हमारे यहाँ पे इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो हमारे यहाँ पे उस नेचर, अगर आप वो बिजनेस कर रहे हो तो आपकी गुडविल बाजार में कभी भी नहीं हो सकती। अगर आप सोचो मेरा एफिशिएंट मैनेजमेंट है, मैं मेरे दुकान पर कोई कस्टमर आता है, मैं हाथ जोड़ के बात करता हूँ, मेरी लोकेशन बड़ी अच्छी है साहब, जयपुर के मेन एरिया के अंदर मेरी शॉप है, मैं एक नंबर की क्वालिटी का सामान देता हूँ, फिर भी मेरी बाजार में गुडविल नहीं है, लोग मेरे को रेपुटेशन नहीं समझते, मेरा नाम फेमस नहीं होता, कोई नहीं बताता कि मैं उस दुकान से जाकर के शराब लेकर के आया हूँ, वहाँ काम करता है नेचर ऑफ बिजनेस। बेटा आज की क्लास के अंदर हमने खूब सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स कवर किए गुडविल के बारे में, जो कि गुडविल के बेसिक्स है। अगर मैंने गुडविल को इतना एक्सप्लेनेशन दिया है तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि गुडविल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सिलेबस का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं गुडविल के टाइप्स के बारे में बात करूंगा,
और आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा गुडविल की कैलकुलेशन क्या है। आने वाले 4-5 वीडियोस, इस चैप्टर के सारे ही वीडियोस लगभग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनको ध्यान से देखें, उनको ढंग से सुने पढ़ें, एक नहीं तो दो बार देखें, और उनको लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें। एक छोटी सी निवेदन है आपसे कि मेरे इस रिक्वेस्ट को, लाइक शेयर एंड कमेंट को आप लोग थोड़ा सा सीरियसली लें और प्लीज इन वीडियोस को लाइक करें। चलिए आपसे फिर मिलेंगे, तब तक जय श्री श्याम, टेक केयर।